हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शारिक और आप देख रहे हैं फ्लाई राइड। फ्लाई राइड के एक और प्रॉपर्टी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के इस प्रॉपर्टी ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पर अवेलेबल वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस फ्लैट जो कि आता है एक शानदार प्राइस में। और इस फ्लैट को दिखाने के लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे मिस्टर आदेश बैसला जो कि न्यूडोर रियलिटी के ऑनर हैं और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग मिस्टर आदेश बैसला जी के साथ। हेलो आदेश। हाय, दिस इज आदेश बैसला फ्रॉम न्यूडोर रियल्टी। सो शारिक के अभी जहाँ पे हम बैठे हैं ये पार्क्स लॉरिएट है, Correct. जो कि सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑन द नोएडा एक्सप्रेसवे सेक्टर 108 में। Fine. ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है Okay. और इट्स ए लो डेंसिटी प्रोजेक्ट Okay. जहाँ पे ओनली 12 एकड़ में ओनली 570 अपार्टमेंट्स हैं। मिस्टर शारिक जो यहाँ पे साइजेस हमारे अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ पे 3 साइजेस अवेलेबल हैं। वन इज 3195 स्क्वायर फीट जिसमें आपको 3 BHK प्लस 7 क्वार्टर मिलता है। जो दूसरा साइज है दैट इज 3850 स्क्वायर फीट जिसमें आपको 4 BHK प्लस 7 क्वार्टर मिलता है। Okay. जो हमारे यहाँ पे बड़ा साइज है दैट इज 4545 स्क्वायर फीट जिसमें आपको 4 BHK प्लस 7 क्वार्टर मिलता है। Right. उसके बाद हमारे यहाँ पे पेंट हाउसेज स्टार्ट हो जाते हैं। Okay. तो जो आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ हमारे यहाँ पे वो मैं आपको कराऊंगा 4545 स्क्वायर फीट का। Okay. हम आपको विच इज द करंट प्रॉपर्टी, हाँ, जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं। करेक्ट। तो ये हम पूरा हम आपको सेमी फर्निश्ड कंडीशन में हम आपको हैंड ओवर करेंगे। फाइन। सो आई विल शो यू द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, व्हाट आर द एमिनिटीज वी आर गिविंग, व्हाट आर द वार्डरोब्स वी आर गिविंग, मार्बल्स कौन सा रहेगा, एसी कौन से रहेंगे, ये सारी चीज़ें, रूम का साइज क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आप शुरू करते हैं फ्लैट का डिटेल वॉक थ्रू और देखते हैं और डिटेल्स में कि फ्लैट के अंदर जो भी बिल्डिंग मटेरियल जो इन्वेस्ट किया गया है वो किस क्वालिटी का किया गया है, जो फर्नीचर है वो किस क्वालिटी का है और पेंट वगैरह, मतलब हर चीज़ बताएंगे आपको डिटेल वॉक थ्रू में। चलिए शुरू करते हैं। Hi Sharique, how are you? Welcome good. To the Parks Lauriet. This is Aadesh Baissla. The size which we are going to show you that is 4545 square feet. Okay. Come on, आइए। So हम एंटर करते हैं, एक आपका बहुत ही ब्यूटीफुल आपका फोयर दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे आप एंटर करते हैं तो कोई भी अननोन पर्सन यहाँ पे आता है, आपके प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती। He is not able to see कि अंदर कौन है, किचन में क्या हो रहा है, क्या चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपकी प्राइवेसी यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन रहती है। Okay. इसका बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बुक शेल्फ वगैरह आप प्लेस कर सकते हैं। करेक्ट। अगर आप एंटर करते हैं तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज ह्यूज 22x14 का आपका लिविंग रूम है जिसमें आपका हम पूरे पैसेज के अंदर वी यूज द इटालियन मार्बल। ये सारा आपका इटालियन मार्बल है, ये जो आप देख रहे हैं इस प्रीमियम क्वालिटी इटालियन मार्बल हमने यूज किया है प्रॉपर्टी के अंदर। सो आप देख रहे हैं इसमें हम आपको जो चीज़ें लगा के दे रहे हैं, आपको हम आपको फ्रेंड्स लगा के इसमें दे रहे हैं एंड हम आपको इसमें स्प्लिट एसी भी हम आपको दे रहे हैं। सो मिस्टर शारिक, ये आपका लिविंग रूम है 22x14 का। Okay. जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। जो अभी तक प्रॉब्लम ये आती है कि फैमिली अगर 4 से 5 गेस्ट आ जाते हैं तो ये सोचते हैं कहाँ बैठे, बट इस प्रॉपर्टी में क्या है कि आपको इतना स्पेस मिल रहा है कि आपके पास यहाँ पे ये हर्डल, ये चैलेंज आपके पास नहीं आने वाला है। सो ये हमारा किचन है जिसमें हम आपको सारे कैबिनेट्स दे रहे हैं आपको विद ऑल द इट्स ए मॉड्यूलर किचन जिसमें आपको चिमनी हॉब हम आपको लगा के देंगे। सॉफ्ट टच रहेगा, इसमें जो भी कैबिनेट्स रहेंगे ये सब आपके सॉफ्ट टच रहेंगे एंड इसके अंदर सारे कैबिनेट्स रहेंगे। इधर आपके सिंक रहेगा, इसमें भी हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना ड्राई किचन बाहर रखूं और वेट किचन अंदर रखूं तो वो भी ऑप्शन, अगर वेट किचन आप अंदर रखना चाहते हैं या बाहर रखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सो ये हमारा 8 सीटर हमारा यहाँ पे डाइनिंग रूम रहेगा, ये हमारा डाइनिंग एरिया है एंड दिस इज योर स्टोरेज और यू कैन यूज इट एज ए पूजा रूम। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपने गौर की होगी मिस्टर शारिक, हमने जो इंटरनल जितने दरवाजे हैं सबकी हाइट आपकी 8 फीट है। अमूमन होता क्या है कि आपका जो मेन एंट्रेंस है उसकी हाइट आपकी 8 फीट होती है, बट इंटरनल जितने दरवाजे होते हैं उनकी हाइट आपकी 5 से 6 फीट होती है। बट हमारी प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे जितने भी दरवाजे हैं सबकी हाइट आपकी 8 फीट है। तो इससे क्या आपका प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, एलिगेंट और स्पेसियस लगती है। सो दिस इज योर पाउडर रूम फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग पीपल। हमने जो फिटिंग भी इसमें यूज़ की है दैट इज जैगवार प्रीमियम फिटिंग हमने इसमें यूज़ की है। सो दिस इज बेसिकली हमने यहाँ पे क्या है कि ये आपका फैमिली लॉन्च रूम है, हमने स्पेस को थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया है जिससे आपकी प्राइवेसी ना ब्रीच हो एंड यहाँ पे क्या है, आपके कुछ गेस्ट उधर बैठे हुए हैं, आप कुछ गेस्ट आपके इधर बैठ सकते हैं, कुछ फैमिली गेस्ट इधर आ गए, कुछ अननोन लोग वो आपको उधर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, हमने 2 स्पेस आपको इसमें दिए हैं। दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम विच इज़ यूज एज ए गेस्ट बेडरूम, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें हम आपको वार्डरोब्स, स्प्लिट एसी एंड विट्रीफाइड टाइल्स कजेरिया की एंड ये सारी चीज़ें हम आपको लगा के देंगे विद ऑल द स्पेसिफिकेशन। वॉशरूम आपका एज इट इज़ रहेगा, जैसा आप इसमें देख रहे हैं जैगवार की प्रीमियम फिटिंग्स इसमें रहेंगी। अगर एक चीज़ आपने देखी, हमारी सीलिंग हाइट भी जो है दैट इज़ ऑल्सो मोर देन 10 फीट, 10 फीट से ज़्यादा सीलिंग हाइट है। तो इससे क्या आपका जो घर है वो काफ़ी आपका स्पेसियस लगता है। दिस इज़ योर पेरेंट्स रूम, ये पेरेंट्स रूम है। अगेन इसके दरवाजे की हाइट आपकी 8 फीट रहेगी। रूम का जो साइज है दैट इज़ 12 बाई 15, अगेन वेरी इम्प्रेसिव, वेरी ह्यूज साइज। इसमें क्या है, हमारा यहाँ पे आपके वॉकिंग क्लोजेट हो जाता है, ये आपके वार्डरोब्स हो जाते हैं। एंड दिस इज योर वॉशरूम, वॉशरूम भी आपके काफ़ी ह्यूज है, बहुत ही लेविश और बड़ा बाथरूम है आपका। सो शारिक, अब हम एंटर करने वाले वन ऑफ माई फेवरेट जो रूम है, इसके अंदर किड्स बेडरूम। सो बच्चे की नटखट जो शैतानियाँ जो होती हैं, जो उनके शोर शराबा जो होता है, जो उनकी मुस्कुराहट जो होती है, तो वहाँ पे हम एंटर करने कहाँ पे वो सारी मुस्कुराहट बिखेरते हुए आपके घर के अंदर एंटर करेंगे। आइए। सो हमने इस बेडरूम को बहुत ही खास ध्यान रखा है इस बेडरूम का, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल बेडरूम है, किड्स बेडरूम है, जो कि हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। तो हमने इसमें जो यूज़ किया है, अगर हम बात करें फ्लोरिंग की बात करें तो इसमें हमने इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग हमने यूज़ किया है। इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग की मैं बात करूँ, ये बहुत ही लेविश और बहुत ही लग्जरी फिनिशिंग आपको देती है, इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। तो हमने इसमें क्या है, हमें एक दीवार पर इस पर टेक्सचर पेंट दे रहे हैं, टेक्सचर पेंट और टेक्सचर वॉलपेपर हम आपको करके देंगे इसके अंदर। अगेन साइज बहुत ह्यूज है, जो साइज हमने देखा है, जैसे अमूमन क्या होता है किड्स बेडरूम बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा होता है, बट हमने क्या है इसको भी प्रॉपर ध्यान रखा है। हमने इसका सेम साइज दिया जो हम अपने पेरेंट्स बेडरूम में हमने दिया है, 12 बाई 15 का हमने इसमें साइज दिया। इसके अलावा हमने इसकी एक सेपरेट बालकनी दी है, ऐसा नहीं है हमने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया है किड्स बेडरूम है तो हमने यहाँ पे चीज़ें नहीं दी हैं, हमने कहीं भी किसी चीज़ की खाना पूर्ति नहीं की है। इसके अलावा नोएडा के अंदर ये प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम हम लेके आए, किड्स बेडरूम के साथ भी हमने वॉकिंग क्लोजेट आपको दिया है। वॉकिंग क्लोजेट की मैं बात करता हूँ तो आइए देखिए, आपके बच्चे अगर तैयार हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है उन्हें आपको मम्मी के रूम में जा रहे हैं, पापा के रूम में जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। हमने क्या किया है, हमें प्रॉपर एक प्राइवेसी भी ध्यान रखी है सारी चीज़ें। उसके अलावा हमने आपको स्लाइडर्स वाला वॉकिंग क्लोजेट दिया है, जो आपके बच्चे नहीं पे रेडी हो सके, उनको बार बार मम्मी पापा और दादू के रूम में नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, तो इसके अलावा हमने बहुत ही इसका ध्यान रखा है इस रूम का। हमने यहाँ पे ग्लास क्यूबिकल भी दिया है, ग्लास क्यूबिकल हमने यहाँ पे दिया है, जिससे कि वो शावर लेते हैं तो पानी इधर ना आए। इसके अलावा पोर्ट इधर हो गया आपका, वॉश बेसिन इधर हो गया है। अगेन जो हमने फिटिंग स्पेसिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, सारी जगह के प्रीमियम फिटिंग्स हमारे यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। सो एंटर करते हैं शारिक, ये आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो आपका 15 बाई 18 का है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेसियस और बहुत ही ह्यूज साइज़ है, ये किंग साइज़ हमने बेड डाला हुआ है। उसके अलावा एक यहाँ पे सोफ़ा हो गया, वहाँ पे आपका फ्लावर हो गया, एक गमला आपका इधर हो गया। इसके अलावा किंग साइज़ बेड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज स्पेस है। आप चाहो तो एक आपकी स्टडी टेबल आपकी यहाँ भी लग सकती है, जहाँ पे अभी आप खड़े हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं सीलिंग हाइट अगेन आपकी काफ़ी अच्छी है, मोर देन 10 फीट है। उसके अलावा जो हमारा मास्टर बेडरूम है, हमने इसको इस तरीके से प्लेस किया है, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, जब आप सुबह के टाइम उठेंगे, यू आर हैविंग योर मॉर्निंग कॉफ़ी और यू रीडिंग योर बुक, सो वॉट वी कैन डू, हमने यहाँ पे जो विंडो ये आपकी अंधेरा जो दी हुई है, आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, यू कैन एन्जॉय द नॉर्मल मॉर्निंग, आपके मॉर्निंग सनरेज हो गई आपकी, जो कि गुड फॉर योर बॉडी, वो सारी, बिकॉज ईस्ट हमारा इधर से राइज होता है, ईस्ट आपके इधर से राइज होता है। यू कैन एन्जॉय योर वर्क, यू कैन एन्जॉय योर कॉफ़ी, वो सारी चीज़ें हम एन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बालकनी की बात करूँ, इट्स नॉट बालकनी, मैं इसको बोलूँगा तो इसकी तोहीन होगी। इट्स ए प्रॉपर डेक, प्रॉपर डेक इन द सेंस, अगर आप इन दोनों अगर हम ओपन कर देते हैं, सो आराम से आप 20 से 25 लोग गैदरिंग आप इस डेक पे कर सकते हैं। यू कैन थ्रो या पार्टी, आप बीबीक्यू, बारबेक्यू न्यूशन वगैरह कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी कर सकते हैं। ये बहुत ही सेपरेट हमने यहाँ पे बालकनी दी है, प्रॉपर डेक दिया है जिससे आपकी प्राइवेसी ना ब्रीच हो कहीं से भी, और आप एक छोटी सी एक पार्टी आप इसमें होस्ट कर सकते हो। इसको जो हमने दिया है इसको हाफ मून आर्क शेप में हमने डिज़ाइन किया है जिससे कि आपके पास पूरी सोसाइटी का व्यू रहेगा आपके पास प्रॉपर, एंड आपके मॉर्निंग सनराइज का आपका प्रॉपर व्यू रहेगा आपके पास। एंड इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो हमने डिज़ाइन किया है सैम्पल फ्लैट में, हमने यहाँ पे थोड़ी सी फ्लावर्स या गमले वगैरह लगाए हुए हैं। सो अगेन इसमें भी हमने वुडन फ्लोरिंग हमने यूज़ किया है, इट्स इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग। अगर मैं इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग की मैं बात करता हूँ तो इसकी जो लाइफ होती है, जो अमूमन ये थोड़ा सा बोलते हैं कि वुडन फ्लोरिंग की लाइफ ज़्यादा नहीं होती, बट इसकी जो लाइफ है वो मोर देन 15 to 20 ईयर्स है। रीज़न बीइंग हमने इसको प्लेस करने से पहले इसके नीचे आपकी टाइलिंग की है, उसके ऊपर हमने वुडन फ्लोरिंग आपके प्लेस की है। सो इससे क्या लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है काफ़ी। हमने छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा हुआ है, हमने इसको इस तरीके से बनाया जैसे हम अपना घर बनाते हैं। अगर मैं साइज़ की बात करूँ 45x45 स्क्वायर फीट जो है नॉर्मली 500 गज की कोठी है। सो बेसिकली आपके पास साइज़ बहुत बड़ा मिल जाता है, आपको जेंट्री बहुत अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। राइट, ये आपका वॉकिंग क्लोजेट है जिसमें आपको प्रॉपर बहुत ही अच्छी कैपेसिटी में आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है, ये आपका वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम के अंदर हम आपको बाथटब, ग्लास क्यूबिकल, हैंगिंग पॉट, वॉश बेसिन, ये सारी चीज जितनी भी आपने फिटिंग फिक्सचर्स जो स्पेसिफिकेशन आपने देखी है ये सारी जैगुआर की प्रीमियम फिटिंग्स हैं। अब हम आपको पूरा फ्लैट ही दिखा चुके हैं और आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे फ्लैट्स के वीडियोस आते रहेंगे सुपर लग्जरी एट वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पर, और मिस्टर आदेश हमें वादा करते हैं कि आगे भी हमें वो बेहतर फ्लैट दिखाते रहेंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हम दिखाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइट विजिट अगर आप चाहते हैं तो साइट विजिट के बारे में मिस्टर आदेश बताएंगे कि कैसे वो फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है प्रोजेक्ट को लेके, अगर आप प्लान करते हैं जैसे आपका कंसर्न है प्रोजेक्ट को लेके कब क्या प्राइस है क्या सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ प्राइसिंग के बारे में। अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 2.5 CR से विच गोज टू 3.5 CR। 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपये तक के हमारे यहाँ पे टिकट साइजेस अवेलेबल हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी किस साइज़ में हम जाना चाहते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ हमारे यहाँ पे 3 साइजेस हैं। 3 BHK का जो साइज़ है दैट इज़ 3200 स्क्वायर फीट, एंड 4 BHK का जो साइज़ है दैट इज़ 3850 एंड 4545। जो आपने रूम टूर किया है, जो आपने फ्लैट का जो टूर किया है दैट इज़ 4545 स्क्वायर फीट। अगर आपका कुछ भी कंसर्न है फ्लैट को लेके, अगर आप प्लान करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 7827291315। दिस इज़ आदेश बैसला फ्रॉम न्यू डोर रियल्टी। Thank you so much. It was so great to connect to you, Mr. Sharique Ali. You are such a great human being. Thank you so much.